नमस्कार, मैं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। संत निरंकारी मिशन की राजगढ़ इकाई पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आई है। इसी कड़ी में यहां एक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन राजगढ़ विकास खंड की ग्राम पंचायत सेर जगास के नैरी कोटली क्षेत्र में किया गया। भारी बारिश के बावजूद निरंकारी मिशन राजगढ़ इकाई के सेवा दल और संगत के सेवकों में पौधारोपण के प्रति भारी उत्साह था और 150 देवदार के पौधों को रोपण इस मौके पर किया गया। सेवा दल प्रभारी राकेश कुमार ने कहा कि सदगुरु के आदेश अनुसार मानवता के लिए निरंकारी मिशन की ओर से पौधारोपण अभियान चलाया गया है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के दंश को पूरे विश्व ने झेला है। अधिक से अधिक पौधे लगाकर जहां ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, वहीं पर्यावरण में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि निरंकारी मिशन पूरे भारतवर्ष में पौधारोपण कर रहा है और सभी को न केवल अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए बल्कि इनका संरक्षण करते हुए कटने से भी पेड़ों को बचाना चाहिए। नवदीप सहानी ने कहा कि सदगुरु माता की असीम कृपा से हरित विश्व की ओर एक कदम बढ़ाने में सहयोग करने का हमें भी अवसर प्राप्त हुआ है। निरंकारी मिशन मानवता की सेवा के लिए ही कार्य करता है और पौधारोपण आज की आवश्यकता है। उन्होंने वन विभाग की ओर से पौधारोपण के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए DFO, RO और BO राजगढ़ का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर 50 सेवादारों ने पौधारोपण किया। राजगढ़ से हमारे संवाददाता GD शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, वाद निरंकार निरंकारी ब्रांच राजगढ़ में आज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पौधारोपण हुआ और जिसमें सदगुरु का विशेष आदेश कि जो 2020-2021 में जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी उसके कारण ये कदम मानवता के लिए उठाया गया है, जिसमें कि हम काफ़ी सारे वनों को एक लगाकर ऑक्सीजन लेवल एक जहां पर बढ़ेगा वहीं पर ही एक पर्यावरण में भी सुधार होगा और इस तरह के कार्य भारत वर्ष में अनेकों ब्रांचों में निरंकारी मिशन लगा रहा है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि हम सभी वृक्षों का भी ध्यान रखें, वृक्षारोपण करें और इनकी देखभाल भी करें और इन्हें कटने से भी बचाएं। धन निरंकार जी, नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।